हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या महासागर पे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एलसीएम और एचसीएफ की जो बेसिक टॉपिक है, एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं वो हमने सॉल्व भी किए थे और उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो एग्जाम में हमारे एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो आज हम इस तरीके के क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे और हम सीखेंगे कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम आते तो आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रूव द फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, यानी कि जो कल हमने जो वीडियो जो हमने समझा था उसके जो लास्ट में हमने पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, वो था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है किसके बराबर होता है, उनके ही एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर। तो वही चीज हमको यहाँ पर प्रूफ करनी है। सबसे पहले बाबा दो नंबर है 12 और 18, हम सबसे पहले इनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, अब एचसीएफ और एलसीएम के दो निकालने के मेथड है, एक तो डिविजन मेथड है और एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि फैक्टर करके कॉमन लेने वाली मेथड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे सबसे पहले कॉमन फैक्टर वाले से, सबसे पहले लिखेंगे 12 और 18, यानी कि 12 के जो फैक्टर होंगे 1 × 2 × 2 × 3, यानी कि 1 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। ठीक है, और 18 के वहीं पर होंगे 1 × 2 × 3 × 3, यानी कि 1 × 2 = 2 × 3, 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा। यहाँ पर से देखो अब इनमें कॉमन क्या क्या है, दोनों में 1 1 है यानी कि 1 कॉमन आया, और दोनों में 2 2 भी है, 2 कॉमन आएगा। अब देखो इन दोनों में 3 3 भी है यानी कि × 3, और बच गया ये 2 और 3, यहाँ सिर्फ 1 2 है, तो नीचे वाले में 1 2 अलग 2 नहीं है, और यहाँ पर जो अलग 3 है उसके लिए ऊपर अलग 3 नहीं है, तो बस यही चीज कॉमन आएंगे, यानी कि जो हमारा एचसीएफ आया वो कितना आ गया, हमारा 6 आ गया। वैसे ही हम सेम मेथड से एलसीएम भी निकालेंगे, एलसीएम के लिए 12 = 18 = 1 × 2, सेम मेथड और सेम फैक्टर आएंगे इसके भी, और 18 के भी सेम फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, ये फैक्टर आए, तो अब हम अब एलसीएम में क्या करते हैं, जिसको याद होगा एलसीएम में हम मैक्सिमम नंबर से लिखते हैं जो कितने बार जितने बार ज्यादा बार आ रहा है, यानी कि 1 देखो इसमें भी 1 एक ही बार आ रहा है, इसमें भी 1 एक ही बार, यानी कि एक ही बार लिखेंगे 1 को, और 2 देखो इसमें 2 बार आ रहा है 2, और इसमें सिर्फ 1 बार आ रहा है, यानी कि 2 जिसमें ज्यादा बार आ रहा है उसको हम लिखेंगे, यानी कि 2 2 दो बार आया तो हमने 2 बार वाला लिखा, और 3 देखो इसमें 3 2 बार आया और ऊपर एक ही बार आया, यानी कि हम 3 वाला लिखेंगे जिसमें हम 2 बार आया, यानी कि ये। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, 2 × 4 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, यानी कि 36 हमारा एलसीएम आ गया। अब हमसे क्या क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएफ एंड एलसीएम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पहले यहां पर लिखते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, हमको जो फॉर्मूला प्रूफ करना है ना वही चीज है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। ठीक है, ये चीज है, और आप ये मैं समझता है कि जैसे मैंने यहाँ 12 और 18 लिया है तो इसी का जो प्रोडक्ट, इनका जो प्रोडक्ट और इनका जो HCF LCM होगा वो सेम होगा, ऐसा नहीं है। आप कोई भी दो डिजिट यानी कि दो नंबर को उठा के लेने, चाहे वो सिंगल डिजिट हो, डबल डिजिट हो या फिर ट्रिपल डिजिट वाले भी हो, किसी भी नंबर्स को आप ले लीजिए और उनका HCF और LCM निकालिए, फिर उनका प्रोडक्ट करोगे, जो HCF और LCM का प्रोडक्ट आएगा वही आपका किसका प्रोडक्ट आएगा, उन दोनों डिजिट नंबर्स का आपस में प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो जो हमारे टू नंबर है वो कितने हैं, 12 और 18 है, तो 12 × 18 और प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ यानी कि 6 × 36। अब 18 12 8 96 6 9 12 12 9 2 16 6 36 3 3 18 3 216, यानी कि देखो दोनों बराबर आए, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से प्रूफ, हमने जो हमको प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया, तो यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर प्रूफ। ठीक है, इस तरीके से सिंपल तरीके से आप जो आपका जो फॉर्मूला था उसको हमने प्रूफ कर लिया यहाँ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड दी एचसीएफ ऑफ 12 / 25 / 9 / 10 / 18 / 35 / 21 / 40। मैंने आपको पिछली वीडियो में फ्रैक्शंस वाले नंबर्स का भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखाया था, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जो इनका जो एचसीएफ होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमिरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एचसीएफ ऑफ न्यूमिरेटर, और न्यूमिरेटर कौन कौन से होते हैं सारे ऊपर वाले, अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर कौन से होते हैं सारे नीचे वाले, यानी कि अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो एचसीएफ में सारे ऊपर 12 9 18 और 21, यानी कि हम यहां पर लिखेंगे 12
9, 18 और 21, ठीक है। तो हम इनका सबसे पहले क्या करेंगे, वही करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 12 का होगा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 9 का होगा 1 इंटू 3 इंटू 3, वैसे ही 18 का होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 21 का होगा 1 इंटू 3 इंटू 7। देखो 7 3 जा 21, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है, ये चीज आया। अब HMM हम क्या करते हैं, HMM वाली चीजें लेते हैं जो कॉमन होती है सब में, ठीक है। तो देखो इन सब में कॉमन क्या क्या है, एक तो 1 है, ठीक है, 1 कॉमन है हमारे पास, 2 कॉमन है, देखो सब में 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें है, तो 2 हम 2 को ले ही नहीं सकते। अब देखो 3, 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, यानी कि 3 भी आ जाएगा। अब देखो 7 सिर्फ इस इसमें, यानी कि जो हमारा HCF आया वो कितना आया, 3 आया। वैसे ही हम LCM निकालेंगे डिनोमिनेटर्स का, तो LCM इक्वल टू कितना होगा, 25 10 35 40, यानी कि देखो 25 10 35 और 40। अब 25 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 1 इंटू 5 इंटू 5, 5 जो 25, 10 का होगा 1 इंटू 2 इंटू 5, 5 टू जो 10, और 35 का होगा 1 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि 7 5 जो 35 देखिए, और 40 का होगा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 1 2 जो 2, 2 2 जो 4, 4 2 जो 8, 8 5 जो 40, यहाँ से आ गया। अब LCM में क्या लेते हैं, हम LCM वाले डिजिट्स लेते हैं जो सबसे ज्यादा बार आ रही होती है। अब देखो इन तीनों में देखो 5 सबसे ज्यादा किसमें आ रहा है, इसमें 5 एक बार आ रहा है, इसमें फिर एक बार, इसमें भी एक बार, इसमें दो बार, यानी कि हम 5 को दो बार लिखेंगे, 5 इंटू 5, और इसमें देखो 2 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 बार 2 आ रहा है सबसे ज्यादा, तो 1 2 3 बार 2 लिख दिया, और 7 7 देखो इसमें एक ही बार आ रहा है और इसमें किसी में नहीं आ रहा, तो 7 को सिर्फ एक बार लिखेंगे, यानी कि 5 5 25 25 2 जा 50 50 2 जा 100 100 2 जा 200 200 7 जा कितना हो जाएगा हमारा 1400, यानी कि हमारा LCM कितना आ गया 1400। अब हमारा जो क्या होगा, HCF होगा, HCF ऑफ 12 अपॉन 25 कॉमा 9 अपॉन 10 कॉमा 18 बाई 35 कॉमा 21 बाई 40 कितना हो जाएगा हमारा, HCF अपॉन LCM होता है, यानी कि 3 अपॉन 1400, यहां से हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से अगर हमारे का LCM निकालना है, अगर इस फंक्शन का LCM निकालना है, तो आप LCM का फॉर्मूला क्या होता है, LCM इज इक्वल टू LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर, उस फॉर्मूले का यूज करके आप इसका इजीली करके LCM निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है देखो, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 11 एंड देयर LCM इज 693, इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 77, फाइंड द अदर, यानी कि सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में गिवन लिखेंगे, गिवन क्या क्या है, गिवन लिखेंगे, सबसे पहले तो गिवन है हमें HCF ऑफ टू नंबर्स, HCF ऑफ टू नंबर्स दे रखा है, ठीक है, तो वो कितना है देखो 11, ये 11 दे रखा है, और वहीं पर LCM भी दे रखा है, LCM ऑफ टू नंबर्स, LCM क्या है टू नंबर्स का, यहां पर देखा है 693, और वन ऑफ द नंबर दे रखा है, यानी कि वन नंबर दे रखा है, कितना है 77, वन नंबर इज इक्वल टू 77। लेट हमने जो हमने अदर नंबर माना है, लेट अदर नंबर जो हमको मानना है, जो हमको निकालना है, उसको हम मान लेंगे, कितना मान लेंगे, ए मान लेते हैं, ठीक है, ए मान लिया हमने उसको, ठीक। तो हमारा हमको पता है हमारा जो फॉर्मूला होता है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, वी नो, वी नो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर HCF एंड LCM, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, ये चीजें हमें पता है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होंगे, 77 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF कितना, HCF कितना 11 और LCM कितना 693, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 11 इंटू 693 अपॉन 77, यानी कि 11 वन जा 11 7 जा 7 9 जा 63 बता 63 11 7 9 जा, यानी कि जो हमारा अदर नंबर है वो कितना आ गया हमारा 99, ठीक है। यहाँ से ये इस तरीके से हमारा इजीली करके हमारा जो है वो आंसर निकल गया, ठीक है। अगर आपका एग्जाम में आएगा, आपको इतना चीज लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपका मेंस में आएगा, जो सेकंड लेवल का एग्जाम होता है, उसमें आएगा, जिसमें आपको लिखना पड़ता है, उसमें आएगा, तो आप इतना करके सॉल्व करके आएंगे, वरना अगर आपका प्रीलिम्स में आया है, जब आप टिक मार्क मतलब MCQs फॉर्म में आते हैं क्वेश्चन सारे, तो आप सीधे से आपको ये फॉर्मला याद होना चाहिए, सीधे से इस तरह करके सीधे से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना है, जो अभी मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन में देखो, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, दियर LCM इज 84, फाइंड द नंबर्स, यानी कि दो नंबर है रेशियो में, 3:4 है नंबर्स का रेशियो, तो उनका LCM है 84 गिवन दिया गया, तो हमें उस नंबर्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने मान लिया
सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं क्वेश्चन में। गिवन क्या हमारे पास, गिवन एलसीएम है, एलसीएम कितना है हमारे पास 84 और रेशियो कितना है 3:4। तो हमने मान लिया कि लेट नंबर्स बी कितना हो जाएगा 3x and 4x। ठीक है, अब हमें इनका एलसीएम दे रखा है, यानी कि अगर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे 3x और 4x का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x और 4x का एलसीएम क्या होगा, देखो 3x का हो जाएगा 1 × 3 × x और वहीं पर 4 का हो जाएगा 1 × 2 × 2 × x। ये हो जाएगा, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 1 एक ही बार आ रहा है, 2 दो बार आ रहे हैं 2 × 2 और 3 एक बार आ रहा है और x भी इसमें भी एक बार, इसमें भी यानी कि x, यानी कि इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, यानी कि एलसीएम कितना है आपका 12x। अब जो आपका यहाँ से जो ये रेशियो वाला एलसीएम आ रहा है वो 12x आ रहा है और जो ओरिजिनल है वो 84 है, यानी कि आप यहाँ से क्या लिख दोगे, वी नो हमें पता है कि जो एलसीएम है वो कितना है हमारा 84 और हमारा एलसीएम यहाँ पर से आया देखो 12x, तो 12x = 84, 12 × 1 = 12, 7 × 84 होता है तो x = 7 आया। अब यहां से आप नंबर निकाल सकते हो इसमें वैल्यू रख के, यानी कि फर्स्ट नंबर = 3x = 3 × 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और वहीं पर हमारा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर कितना लिया था हमने 4x लिया था ना, तो सेकंड नंबर हमारा = 4x = 4 × 7 = 28, यानी कि जो हमारे नंबर्स हो जाएंगे वो 21, 28, और 21 और 28 का क्या निकाल देंगे हम, एक बार चेक करने के लिए हम निकाल सकते हैं एलसीएम कितना आ रहा है, 84 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक वाली मेथड जो ये डिवीजन वाली मेथड होती है वाली यूज कर लेते हैं, 21, 28 2 से करेंगे, 2 × 21 = 2, 14 × 2 = 7, 3 × 7 = 21, 7 × 7 = 1, और हम एलसीएम वाली में तब तक निकालते हैं जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। ठीक है, ऐसे हम निकालते हैं, तो यहाँ पर देखो 2 × 2 = 4, 4 × 12 = 12, 7 × 7 कितना आ गया 84, यानी कि जो हमारा आंसर है वो हमने जो किया है सॉल्यूशन वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरीके से आप इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप अगर इनको एक बार खुद से करने की कोशिश करना, अगर आप खुद से करने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक बने हुए हमारे वीडियो में और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने में हेल्प हो, और कमेंट जरूर करें हमारी वीडियो पे जिससे हमें भी अच्छा लगता है और हमें भी मोटिवेट फील होता है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। तो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, कोविड का समय चल रहा है तो आपको अपना सेफ्टी खुद से बनाए रखनी है, अपना ध्यान खुद ही रखना है। ठीक है, तो मास्क का यूज करते रहिए, सैनिटाइजर का यूज कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।